हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है संचित। अगर आप एक नए सेलर हैं तो ये क्वेश्चन आपके मन में भी आया होगा कि प्रोडक्ट्स बेचने के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है वो सिलेक्ट किया जाए। तो इस वीडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूँ अमेज़न और फ्लिपकार्ट को और देखेंगे कि कौन से प्लेटफॉर्म पर बिजनेस करना आसान है और कौन से प्लेटफॉर्म पर ऑर्डर्स ज़्यादा मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के कंपैरिजन में सबसे पहला पॉइंट है रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन के पॉइंट में अमेज़ॉन पे रजिस्टर करना सबसे ज़्यादा आसान है फ्लिपकार्ट से, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और तभी आप अपने प्रोडक्ट्स को बेचना शुरू कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्री के टाइम पे बिना अपलोड किए भी अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करके बेचना शुरू कर सकते हैं, और आप चाहे तो बाद में अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं अगर आपके पास वो हैंडी नहीं है तो। जबकि फ्लिपकार्ट में ऐसा नहीं है। फ्लिपकार्ट में आपको अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करने से पहले और बेचने शुरू करने से पहले ही आपको अपने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को लिस्ट करना होगा, और तभी आप मतलब प्रोडक्ट्स बेचने का काम शुरू कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट है आपका शिपिंग का। शिपिंग में अमेज़ॉन में आपके पास एक एडवांटेज ये है कि शिपिंग में आपके पास एक सेल्फ शिप का ऑप्शन है। अगर अमेज़ॉन आपके एरिया में अपनी शिपिंग का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो, जो कि इजी शिप है, इजी शिप आपके पिन कोड में अवेलेबल नहीं है, तो आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल्फ शिप के ऑप्शन चूज करके भी किसी थर्ड पार्टी के थ्रू शिप कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को। जबकि फ्लिपकार्ट में ऐसा नहीं है। फ्लिपकार्ट में अगर आपके पिन कोड पर फ्लिपकार्ट की सर्विस जो कि है ई कार्ट, उसके थ्रू शिप करने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को शिप नहीं कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट है लिस्टिंग का। लिस्टिंग में क्या है कि अमेज़ॉन में यहाँ पर भी एक बड़ा एडवांटेज है। अमेज़ॉन में जो लिस्टिंग की प्रोसेस है वो फुली ऑटोमेटेड है, और आपका जो प्रोडक्ट्स हैं वो 15 मिनट के अंदर अंदर अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म पर लाइव हो जाते हैं, उसके बाद उस पर ऑर्डर्स आ सकते हैं। जबकि फ्लिपकार्ट में ऐसा नहीं है। फ्लिपकार्ट में आपके प्रोडक्ट की लिस्टिंग को एक QC प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा, जिसमें कितना भी टाइम लग सकता है, ज़्यादातर एक दिन ही लगता है, और इस वजह से आप तब तक अपने प्रोडक्ट्स को बेच नहीं पाएंगे जब तक वो QC अप्रूव नहीं हो जाते हैं। जब तक वो QC अप्रूव नहीं हो जाते हैं, उन पर ऑर्डर्स भी आना शुरू नहीं होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग के मामले में। अगला पॉइंट है वेयरहाउसिंग का। वेयरहाउसिंग में अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर दोनों जगह जो है आपकी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस सेम होती है, और अमेज़ॉन पर आपके पास यहाँ पर भी एक एडवांटेज ये है कि अमेज़ॉन में एक सर्विस है FBA, जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं और डे वन पे अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना शुरू कर सकते हैं। जबकि फ्लिपकार्ट पर यहाँ पर भी एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि फ्लिपकार्ट में ऐसा नहीं है। फ्लिपकार्ट में आप अपने प्रोडक्ट्स को डे वन पे सेल करना शुरू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एक सर्टेन नंबर ऑफ ऑर्डर्स चाहिए होते हैं आपको एलिजिबल होने के लिए। उनकी वेयरहाउसिंग सर्विस यूज़ करने के लिए आपको एलिजिबल होना पड़ता है, और उसके लिए आपको एक सर्टेन नंबर ऑफ ऑर्डर्स चाहिए। तो यहाँ पर भी जो है एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है वेयरहाउसिंग के पॉइंट पर भी। अगला पॉइंट है आपका ब्रांड अप्रूवल का। तो अमेज़ॉन में भी ब्रांड अप्रूवल के कई तरीके हैं, और आप जेनरिक प्रोडक्ट्स से भी शुरू कर सकते हैं। उसमें बस आपको अपने ब्रांड के लिए अप्रूवल लेना होता है, जिसके लिए आपको ट्रेडमार्क की ज़रूरत नहीं है। GTIN अब एग्जेम्पशन आप ले सकते हैं, और उसके थ्रू आप अपने जेनरिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप सेल कर सकते हैं अपने ब्रांड बना के। और फ्लिपकार्ट में क्या है, दूसरी तरफ फ्लिपकार्ट में कुछ प्रूफ्ड कैटेगरीज होती हैं, प्री अप्रूव्ड, जिसमें आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, और कुछ ऐसी कैटेगरीज होती हैं जो कि रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, जिसमें कुछ स्पेशल अप्रूवल की ज़रूरत होती है, और वहाँ पर आपको ट्रेडमार्क चाहिए होता है अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए। यहाँ पर भी ये है कि बस वैसे आपको अमेज़ॉन पर भी ट्रेडमार्क की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर आप अपने ब्रांड को रजिस्टर करवाना चाहते हैं तब आपको ट्रेडमार्क की ज़रूरत होती है। अमेज़ॉन में ये है कि इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है कैटेगरीज पर, तो यहाँ पर एक ये बड़ा एडवांटेज है अमेज़ॉन की साइट पर। अगला पॉइंट है आपका शिपिंग चार्जेस का। अमेज़ॉन में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। अमेज़ॉन में तीन तरीके से आप अपने शिपिंग चार्जेस हैं वो आप चार्ज कर सकते हैं। एक होता है लोकल लेवल पे, एक होता है आपका रीजनल लेवल पे, फिर आता है आपका नेशनल लेवल। उसमें आप अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट के हिसाब से आपको जितना आप चाहें उसमें आप अपना शिपिंग चार्जेस सेट कर सकते हैं, और वो आपके ऑर्डर आने पर कस्टमर से चार्ज हो जाएंगे।
जबकि फ्लिपकार्ट में ऐसा नहीं है। फ्लिपकार्ट में आपको कैटेगरी वाइज जो है वो आपको चार्जेस ऐड करने पड़ते हैं, और कुछ कैटेगरीज में तो ये चार्जेस फिक्स्ड होते हैं जिनमें कुछ रिस्ट्रिक्शन होता है। तो आप ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी चार्जेस वहाँ पर चार्ज कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट में आपको इतना फ्रीडम नहीं है। अगला पॉइंट है आपका स्पॉन्सर्ड एड्स का। तो स्पॉन्सर्ड एड्स में क्या होता है, स्पॉन्सर्ड एड्स में अमेजोन में आपका पोस्टपेड सिस्टम चलता है। पोस्टपेड सिस्टम में क्या होता है कि पोस्टपेड सिस्टम में सेटलमेंट के टाइम पे डिडक्ट हो जाते हैं जब आप एड्स चलाते हैं, और एड्स चलाने के लिए आपको बाय बक्स चाहिए होते हैं। यहाँ पर एक ये है कि आप जब तक एड्स नहीं चला पाएंगे जब तक आपके प्रोडक्ट्स पर बाय बक्स नहीं आता है, और बाय बक्स पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप वो जाके देख सकते हैं अगर आप नहीं जानते हैं कि बाय बक्स होता क्या है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। यहाँ पे फ्लिपकार्ट में क्या होता है कि फ्लिपकार्ट में एक प्रीपेड ऑप्शन होता है, प्रीपेड वॉलेट सिस्टम होता है, उसमें आप कुछ अमाउंट अपना डालते हैं और एड्स रन करने के लिए, और आप जब भी एड्स रन करते हैं तो वो प्रीपेड अमाउंट के तरीके से वहाँ पे डिडक्ट हो जाते हैं। ये थे हमारे पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को देखकर आपको क्या लगता है, आप प्लीज़ अपने कमेंट्स में अपने व्यूज़ शेयर कीजिए। और मेरे हिसाब से तो अगर आप एक नए सेलर हैं तो आपको चाहिए फ्रीडम। फ्रीडम उस हिसाब से आपको अमेज़ॉन पर ज़्यादा मिलेगी। मेरा सजेशन ये होगा आपको कि आप अमेज़ॉन पर अपना बिज़नेस करना शुरू कीजिए अगर आप एक नए सेलर हैं, क्योंकि अमेज़न आपको वो फ्रीडम देता है अपना बिज़नेस अच्छे तरीके से रन करने के लिए और सीखने के लिए शुरू में, ताकि आप अगर कोई गलती भी करें तो आपको इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस और इतने प्रोसेस से ना जाना पड़े। क्योंकि फ्लिपकार्ट पर कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जिसमें टाइम लगता है, इतने रिस्ट्रिक्शंस हैं कि उसमें आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं शुरू में। आप अमेज़ॉन से अपनी बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं अगर आप एक नए सेलर हैं। तो यही था हमारा वीडियो, होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।